भाई हमारा गेहूं होते तो हम भी गेहूं काटते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम परमार्थ के लिए रोजाना जो एक रुपया भी रखेंगे तो हमारे एक महीने में 30 रुपए हो जाएंगे और पता हमें लगने का। और एक साल में कितने हो जाएंगे? 360। और यदि एक घर में से 360 रुपए आप साल भर में इकट्ठे करके और इसी तरह सत्संग भंडारे का आयोजन करवाओ जाओ, संगत को बुलाओ जाओ, तो बहुत अच्छी बात है, पता भी नहीं लगने का और सेवा भी हो जाए। और एक रुपया कुछ ज्यादा नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुछ बोने के लिए तो हम काटेंगे क्या, और जब हम बो देंगे तो हम काट भी लेंगे। तो एक रुपए की इतनी बड़ी बात नहीं होती। यदि किसी का यो बोल लग गया तो मैं समझूं कि सत्संग हमारा लग गया। इतना तो हम कर ही सके, एक रुपए की कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि यदि हम अपने बच्चा रोल लगा तो 5 रुपए तो हम उसे भी दे दे या नहीं देते। तो सबसे बड़ी बात है या कि एक रुपया हमें जरूर रखना चाहा। अब रही मैं ज्यादातर भ्रम की बात करूं, क्योंकि बहनी तो बहुत सुन लिया आपने शाम से ही। अब ये जितने भी कीर्ति भार अब शुरू हो जाएंगे इनमें पहले तो थी हो ही मैं मान लिया किसी का 4 बच्चे तो 4 में पैरे से करवा कर दे रखी करवा बच्चे। अब तो वह रही नहीं। उसमें हर साल क्या करते बहन लिया किसी का दर्ज 2 बच्चे तो उनके दो दो एक बच्चे के 2 पैरे घटवा मे। और फिर जो है क्या करे थे के घड़ा और एक करवा धर लिया और उसे पूज लिया। यहां लो तो बात थमी नहीं, फिर आगे इस तरह भी बैठिया आएगी क्या करवा चो। बहुत घर में है नहीं, मैं बताया थी बहुत घर में है नहीं। और लोग मैं अपने घर की बात बता, मां मैं खुद मैं एक बात कही थी कि यदि हम अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। एक दिन मेरे से घरवाली बोल ली, जब यो चल पड़ा थी बाहर अभी तो चले आयो। अब वो मैं भी बड़ा तरफ खू मगा कहेगा अब करवा चौथ का मगा तुनु बता करवा चौथ से व्रत रखने तक क्या हो। मगन लगी अगनु कहे बीर बहनी उम्र बढ़ है मगा तू मुझे एक बात तो बता, तू तो मेरी हर साल उम्र बढ़ा देगी और तेरी रहेगी झूकी तू रे भली आज मन बुढ़ापे में मुझे बता दो रोटी देगा कौन। भाई दिखे मुझे तो ऐसे व्रत रख मैंने। अब रही तेरी चीज की और कपड़ों की बात, वह गुरु महाराज ने बतेरा दे रखा तेरे जो जीवा बस वो चीज बनवा ले जैसा बढ़िया जीवा वह कपड़ा लिया कोई दिक्कत नहीं। पर करवा चौथ का व्रत ना रखा क्यों? अरे इस करवा चौथ का व्रत रख रखा तो यो पजीता हो रहा, अरे आगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है देखो समझो, क्योंकि यह सारी दुनिया समझ कर ही तरक्की कर या नहीं। तो इन उसमें कुछ नहीं रखा, व्रत रखो अपने गुरु पर। उसे व्रत का मतलब है बरताना, और बरताने का मन्ना भी का बता बिल्कुल बिल्कुल छोटी से छोटी बात है कि एक रुपया रख दो। और इससे भी और वो बताऊं, यदि मैंने लिया कोई एक रुपया भी नहीं रख सकता तो दोनों टाइम खाना तो बना वही है, एक मुट्ठी आटा निकाल और वो जब 5 किलो हो जा वो 5 किलो अपना बना लो और 5 किलो के पैसे रख। इस ताक का तो कुछ और सरल रास्ता नहीं है या नहीं मानते? चलो खैर अब जाए एक बहनी भी सुना दूं मैं तुम्हें जब तमन्ना ही हो रही
सतगुरु महाराज कहते हैं भी वाणी हुई थी कि जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। जिस को इस सत्संग का ज्ञान हो गया उसने तो राजकाज कुछ भी नहीं समझा, छोड़ कर चल दिए सभी के यो कुछ सौदा निभाई। हम तो आज भी जाना और कल भी जाना, बस आज ही चल जाए छोड़ छाड़ कर, साथ कोई ना तो लेकर आया ना कोई साथ लेकर जाने, साथ लेकर कर्म आया था और कर्म ही साथ लेकर चला जाएगा। तो एक बहनी में सतगुरु महाराज कहते हैं कि हे जीव, तू जीव नहीं तू तो हंस है, तू हंस भी नहीं तू तो परम हंस है, और तू परम हंस भी नहीं है तू तो अनामी है, तू अनामी भी नहीं तू तो अखंड है, और तू अखंड भी नहीं तू तो बेगम है। बेगम का मतलब सब समझे, जहां कोई गम नहीं होती और वहां सुख ही सुख है। अब हम सबके सब इसी चिंता में बैठे रहे, लुंडी का ब्याह हो जा, लुंडे का ब्याह हो जा, अब लुंडे का भी ब्याह भी होगा लुंडी का भी हो जा, कहने का भगवान अब जैसे बहू गई कुछ दिखा दे, अब कोई डांठड़ा सा ही हो जैसे बाड़क को भी डांठड़ा बता मैं तो। भाई ऐसा गुरु महाराज सब कुछ दे, बस उन पर ध्यान लगा लो। तो क्या कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोई, भक्ति भक्ति सब करें भक्ति के घर दूर, भक्ति बताई रविदास ने तो गंगा रही हजूर। तो क्या बताया एक बाणी के द्वारा सतगुरु रविदास महाराज ने, बेगम देश बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया, बेगम बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया, बेगम देश बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया, बेगम देश बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया, बेहद ऊपर खेल करत है, बेहद ऊपर खेल करत है, जोगी जुगत रचाया, बेगम देश बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया, बेगम देश बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया, बेगम देश बसाया रे साधो, बेगम देश बसाया। गवाया, बेगम देश बसाया।
बताया रे गंदेज बताया रे साधु रे गंदेज बताया। संगी महात्मा रजे दास की सतनाम सतगुरु बस आरती प्रेमियों एक ही निवेदन है।